नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद निराम पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मूंगफली की फसल में खाद व उर्वरकों का कितना, कब और कैसे प्रयोग करें ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद व उर्वरकों का प्रयोग संतुलित ढंग से करना अति आवश्यक है। यदि हमें संतुलित ढंग से उर्वरक देने हैं तो उसके लिए हमें भूमि परीक्षण या फिर मृदा की जांच करवानी होगी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। यह पता चलने के बाद ही हम जो पोषक तत्व कम है उसे अधिक मात्रा में और जो पशु तत्व अधिक है उसे कम मात्रा में देके उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम मूंगफली में कौन कौन से उर्वरकों का कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करें ताकि अच्छी पैदावार मिल सके। तो अच्छी फसल के लिए 5 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में तैयारी के समय मिट्टी में मिला दे। और मूंगफली की फसल को कैल्शियम और सल्फर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मूंगफली की फलियों में दाना नहीं बनता है। यदि दाना बनता भी है तो भी उसका आकार बहुत छोटा रह जाता है। और सल्फर मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। यदि सल्फर की कमी हो जाएगी तो दानों में तेल की मात्रा कम हो जाएगी या फिर दाने का वजन है वो कम हो जाएगा। तो मूंगफली में सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें 250 kg प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जिप्सम का प्रयोग हम खेत में कैसे करें। तो जिप्सम की आधी मात्रा तो बुआई से पूर्व है आखिरी तैयारी के समय या फिर बुआई के समय नाई या हल द्वारा 20 से 2 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में डाल देना चाहिए। और शेष बची हुई आधी मात्रा को फसल बुआई के 3 सप्ताह बाद या तंतु बनने से पूर्व खड़ी फसल में छिड़क कर देवे और हल्की निराई गड़ाई कर दे, ताकि जिप्सम 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और फसल को अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। मूंगफली को 20 kg नाइट्रोजन और 32 kg फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है ताकि फसल की बढ़वार और जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो सके। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप 40 किलो यूरिया 200 केजी सिंगल सुपर फास्फेट या SSP को प्रति हेक्टेयर की दर से फसल बुआई से पूर्व खेत में डाल सकते हैं, या फिर इनकी जगह 72 kg DAP और 15 किलो यूरिया भी आप काम में ले सकते हैं। परंतु यूरिया और DAP की जगह यूरिया और SSP का उपयोग है वो लाभदायक पाया गया है, क्योंकि SSP में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं जो दाने में तेल की मात्रा व दाने के अच्छे विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो आप SSP और यूरिया का प्रयोग कीजिए। और जिन क्षेत्रों में जड़ गलन की समस्या है या फिर मूंगफली की जड़ें हैं वो गल जाती है तो वहाँ पर 25 kg म्यूरेट और पोटास या फिर MOP का प्रयोग है वो लाभदायक पाया गया है। और यदि आपकी मूंगफली की फसल में पीलापन दिखाई देता है तो 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 0.1% साइट्रिक अम्ल का छिड़काव लाभकारी पाया गया है। तो इस तरह से आप संतुलित मात्रा में उर्वरक देके अपनी मूंगफली की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तपास वाली घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।